किस तरह से एक साजिश के तहत काम चल रहा है उस पर चर्चा की है कि कैसे लोकतंत्र को बचाना है, कैसे जो जनमत को किसी को लूटने नहीं देना है, इन सारी बातों पर चर्चा हुई। ये सर कांग्रेस को यह भी डर है कि ईडी उनके घर भी पहुंच सकती है? नहीं, ये सब कोई डरने की बात नहीं है। अब ईडी की कोई बात रह गई क्या? इसमें डरना किससे क्या है? लोकतंत्र में किसी से कोई डरता नहीं, सिर्फ जनता सर्वोपरि होती है, जनता से डरते हैं कि जिस जनता ने हमें चुन के भेजा है और पूरी सरकार बनाई है उस जनता के जनमत को हम नहीं लूटने देंगे। बिल्कुल, अरे जब जो जनता सरकार चुन के बनाई है और उसको कोई लूट लेगा तो उस समय भी विधायक इकट्ठा होकर के उसका सामना नहीं करेंगे तो कल की रणनीति क्या होगी? कल ईडी के सामने जाएंगे, उन्हें बुलाया गया है, तो अब कल आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? नहीं देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया है ईडी ने, अब उनके प्रति लोगों की एक श्रद्धा है, उस निमित्त भी कई लोग जाएंगे, क्या रणनीति बनती है उस पर तय होगा। अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। ये जरूर है कि लोगों की सहानुभूति मुख्यमंत्री जी के साथ है कि किस तरह से षड्यंत्र और सुनियोजित साजिश के तहत उनको कहीं न कहीं अस्थिर अपदस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जनता ने सरकार बनाई है तो जनता को चिंता है इस बात की, तो जनता हो सकता है सड़क पर उतरे। तो सर, पूरे विधायक नहीं थे? पूरे विधायक कांग्रेस नहीं, सभी विधायक हैं, चिंता मत कीजिए। वो किसी और कार्यक्रम में थे, विधायक मंत्री का कार्यक्रम भी साथ में चलता रहता है, वो आ रहे हैं वहाँ पे यूपीए की बैठक, उसमें सभी लोग शामिल होंगे। कल सीएम से पूछताछ होगी और विधायकों को जिस तरह से एग्जिट कर रहा है, क्या कोई डर है कि विधायक इधर उधर हो जाएंगे? नहीं नहीं, डर विधायकों का नहीं है, डर इस राज्य की जनता ने, जो 3.25 करोड़ जनता ने जो चुन करके इस सरकार को बनाया है उसको जो अस्थिर और अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है उसका डर है, और उस निमित्त हम लोग पूरी एकजुट होकर के पूरा इस जो सुनियोजित साजिश है उसको नेस्तनाबूत करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल है, क्या ऐसी चर्चा है कि सारे विधायक एक साथ जाके राजभवन इस्तीफा दे दें? नहीं नहीं यार, ये सब चर्चा और पर्चा चलते रहेगा, आप जान रहे हैं जब से सरकार बनी है तब से यही तो चल रहा है, और चल क्या रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।